नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के राज्य सचिव लच्छीराम शर्मा ने श्रम मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह सब अखबार तक ही सीमित है, लेकिन हकीकत यह है कि श्रम मंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान मंत्री बनते ही आया था। शादी से 3 दिन पहले मिलेगी कन्यादान राशि, आज फिर बयान आया कि 48 घंटे में मिलेगी कन्यादान राशि, लेकिन हकीकत यह है कि पंचकुला जिले में निर्माण मजदूरों की बेटियों की शादी को 3 साल बीत जाने के बाद भी कन्यादान, मृत्यु मुआवजा और छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। यदि समय रहते समस्या का हल नहीं किया गया तो कोरोना काल में ही निर्माण मजदूरों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पंचकुला जिले के निर्माण मजदूर अपनी मांगों में समस्याओं को लेकर 8 जून को ब्लॉक पंचकुला जिले के सभी ब्लॉकों पर प्रदर्शन करेंगे और आने वाली 20 जून से 30 जून तक पंचकुला जिले के प्रत्येक गांव में श्रम मंत्री दुष्यंत चौटाला के पुतले फूकेंगे। पंचकुला से हमारे संवाददाता बरखाराम धीमान की रिपोर्ट। मेरा नाम लच्छीराम शर्मा है, मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य सचिव हूँ, मैं पंचकुला जिले का भी सचिव हूँ। कल जो श्रम मंत्री की बोर्ड की मीटिंग होने के बाद मंत्री जी का जो बयान आया है कि कन्यादान की राशि 48 घंटे में निर्माण मजदूर के खाते में आ जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि निर्माण मजदूरों की बेटी की शादी को 3-3 साल बीत चुके हैं, ना तो उनको कन्यादान की राशि मिली है, 3 साल से मृत्यु मुआवजा की राशि पेंडिंग है। ये जो सरकार है सिर्फ अखबारों तक ही सीमित है, इसके अलावा इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। निर्माण मजदूरों को की बेटियों को 3-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको कन्यादान की राशि नहीं मिली है। इसके साथ ही निर्माण मजदूरों की जो 90 दिन की वेरिफिकेशन का जिम्मा पंचायत सचिव, BDPO व नगर निगम के अधिकारियों को दिया था सरकार ने, वह भी कार्य कोई भी अधिकारी इस कार्य को करने को तैयार नहीं है। साथ ही निर्माण मजदूर दिहाड़ियां तोड़कर कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हम सरकार की इन नीतियों से निर्माण मजदूरों के बीच में लेकर जाएंगे और आने वाले 8 जून को ब्लॉक स्तर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 20 से 30 जून के बीच में पंचकुला जिले के प्रत्येक गांव में सभाएं करते हुए लोगों के बीच में जाकर बताएंगे और इस सरकार के पुतले जलाए जाएंगे।